Hello everyone. Student, in part 1 of use of is MR, we have done one story regarding three brothers. There are three brothers and their name was is, am, are. Is like to play with singular noun. Singular person, place or thing, right? Or he, she, it, this, that, and any other single name. Am is a shy guy. Am only play with I. So, am play with I. So, I ke saath hamesha kya lagta tha? Am. And third brother is R. Third brother kaun tha? R. And R loves to play with plural nouns. और आर को क्या पसंद था? एक से ज़्यादा जहाँ लोग होते हैं वो ग्रुप पसंद था. तो आर जो है हमेशा किसके साथ खेलता था? प्लूरल नाउन्स, लाइक नाउन्स एंड प्रोनाउन्स, लाइक वी, यू, दे, दी, दोज एंड वन, मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, राइट? सो टुडे वी विल रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट एंड वी विल डू सम सेंटेंसेस regarding use of is, am, are, so that you will be able to use is, am, are in the sentences, so that you will be able to understand the concept of use of is, am, are, and you will be able to put use is, am, are at the right place or in the right sentences, right? So let's start with the topic. Topic of English grammar is use of is, am, are, part 2. So class, first of all we will revise the previous chart which we have done in part 1. We have done in part 1 that I always play with, am always plays with I. So I ke saath hamesha kya lagta hai? Am lagta hai. Sentence mein, kisi bhi sentence mein, jahan aapka I se sentence start hota hai, वहाँ पे उसके बाद am, am ही लगता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका is. is जो है हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नेमिंग वर्ड के साथ, मतलब जहाँ पर एक इंसान के बारे में, एक जानवर, एक चीज़ या किसी भी एक चीज़ के बारे में बात हो रही होती है तो वहाँ पर is, is लगता है. सिर्फ जहाँ पर एक की बात हो रही है, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, सीता इज़ अ बैड गर्ल, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक के बारे में बात हो रही है, तो जब एक के बारे में बात होगी तो वहाँ पर इज लगेगा. जहाँ पे अगर ये आ जाएगा राम एंड सीता तो वहाँ पे इज नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हो गए. तो जब हम एक लोग, एक के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे इज लगेगा. जो इज है उसको एक जो लोग हैं, सिंगुलर नेम इन वर्ड ही पसंद है, मतलब जो एक बात करते हैं, एक के बारे में बात करते हैं उसको वही पसंद है, राइट? जैसे ही का मतलब मैंने आपको पहले बताया था. ही हम कब यूज़ करते हैं? हम बॉयज़ के लिए और मैन के लिए क्या यूज़ करते हैं? ही इज़ अ गुड बॉय, राइट? तो ही हम बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं. ही इज़ वेरी नॉटी, ही इज़ राइटिंग, ही इज़ डांसिंग, ही इज़ प्लेइंग. तो जब हम एक बॉय के बारे में, एक मैन, किसी एक के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम ही यूज़ करते हैं. एक किसके बारे में? जब हम एक बॉय या एक मैन के बारे में बात करते हैं तो हम ही यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है शी, एस एच ई, शी. शी हम यूज़ कब करते हैं? जब हम किसी एक गर्ल या एक वूमैन के बारे में बात कर रहे होते हैं, लाइक रीटा इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी लाइक्स टू प्ले पियानो, शी लाइक्स टू हेल्प हर मदर. तो इसमें क्या है, हम एक के बारे में बात कर रहे हैं. किसके बारे में? रीटा के बारे में बात कर रहे हैं. हम एक गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं. जब हम एक गर्ल या एक वूमेन के बारे में बात करेंगे तो हम शी लगाएंगे, राइट? नेक्स्ट इज आई टी इट. आई टी इट क्या है? आई टी इट हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है. इट इज़ एन एप्पल, राइट? इट इज़ अ डॉग, इट इज़ अ कैट, राइट? इस तरह से जब हम एक
किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम इट इज अ मग, इट इज अ बस, इट इज अ कार, तो हम आई टी इट यूज करते हैं। उसमें हम एक के बारे में बात करें, एक से ज्यादा कार नहीं है, एक से ज्यादा बस नहीं है, एक से ज्यादा एप्पल नहीं है, एक से ज्यादा कैट नहीं है, एक से ज्यादा डॉग नहीं है, सिर्फ एक है। कितनी है क्वांटिटी में, वो वन। तो जब हम सिंगुलर एक के बारे में बात करते हैं तो हम लगाते हैं आई टी इट, आई एस इज लगाते हैं इट के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मीन नाम किसी का, जैसे राम, मोहन, सोहन, ठीक है, आशा, सुषमा, तो ये सारे क्या है, एक नाम है, एक ही इंसान के नाम है ना, एक नाम है ना। जब हम एक से ज़्यादा, जैसे हम बोले आशा एंड सुषमा, मोहन एंड सोहन, तो वो एक से ज़्यादा हो जाएंगे। जब हम एक बात करें, एक ही इंसान की बात करते हैं तो आई एस इज लगता है। मतलब जब हम सिंगुलर, या हम कह रहे हैं कि हम वन थिंग के बारे में, या वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल, वन थिंग के बारे में बात करें तो हम आई एस इज लगाते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा ए आर ई आर। ए आर ई आर को क्या पसंद था, प्लूरल नाउन्स, वेरी गुड। प्लूरल नाउन्स में क्या आते हैं, जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने पहले है वाई ओ यू यू, यू मतलब तुम, ठीक है, तो वाई ओ यू आ गया आपका प्लूरल में। डब्ल्यू ई वी, वी मीन हम सब, हम सब, जैसे वी है, वी आर राइटिंग, वी आर रीडिंग, तो इसमें क्या है, हम सब इंक्लूड होते हैं। हम सब में कितने हैं, हम सब में एक से ज़्यादा हैं, ठीक है ना। जब एक से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, ए आर ई आर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टी एच ई वाई दे, टी एच ई वाई दे, दे मतलब वो सब, वो सब। अब दे आर प्लेइंग, दे आर डांसिंग, दे आर लर्निंग, दे आर फाइटिंग, दे आर टॉकिंग, तो ये सब क्या हो गया, दे मतलब वो लोग, तो इसमें हमारा क्या यूज होगा, ए आर ई आर। नेक्स्ट है हमारा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मीन्स जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो, राइट, उसमें कुछ भी हो सकता है, आपको पता है फ्रूट, बुक्स, प्लूरल नाउन्स जो हमने करे थे, सिंगुलर प्लूरल, जब हम प्लूरल नाउन्स की बात करते हैं तो वहाँ उसके साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ हमेशा आर लगता है। देयर आर टू डॉग, देयर आर थ्री बेबीज, बर्ड्स इन द नेस्ट, राइट, सोनाली कैरीज मैनी बुक्स, सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूज ऑफ आर। बेटा आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि यूज ऑफ इज एम आर हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ हम इज लगाते हैं, कहाँ हम एम लगाते हैं, कहाँ हम आर लगाते हैं। चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेज, वी विल रीड सम सेंटेंसेज इन विच इज एम आर इज देयर। नाउ वी विल रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, एवरीवन रीड विद मी। फर्स्ट सेंटेंस इज आई, ए एम एम, अ बी ओ वाई बॉय, आई एम अ बॉय। आई मतलब मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। सेकेंड सेंटेंस इज एच ई ही, आई एस इज अ जी डबल ओ डी गुड, बी ओ वाई बॉय, ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। और ऊपर वाले सेंटेंस में तो मैं ही आ गया, आई मीन मैं। नेक्स्ट है एस एच ई शी, आई एस इज ए टी आई एन जी ईटिंग, ए टी ईट आई एन जी इंग ईटिंग, शी इज ईटिंग, क्या हो रहा है, वो खा रही है, शी इज ईटिंग। तो अब इसमें किसकी बात हो रही है, एक गर्ल के बारे में बात हो रही है कि वो खा रही है, गर्ल, एक गर्ल खा रही है। नेक्स्ट इज आई टी इट, आई एस इज अ डी यू सी के डक, इट इज अ डक। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, एक डक के बारे में बात हो रही है कि ये एक डक है, इट इज अ डक। नेक्स्ट सेंटेंस इज टी एच ई वाई दे, ए आर ई आर, डी ओ जी इज डॉग। अब यहाँ पे देखिए आप, डॉग नहीं है, डॉग्स है, मतलब एक से ज़्यादा है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, ए आर ई आर लग गया. क्यों ए आर ई आर लगा, क्योंकि पहले क्या लगा हुआ है, टी एच ई वाई दे, दे के साथ क्या लगता है आर, दे आर डॉग. यहाँ पे एक से ज़्यादा डॉग के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट इज वाई ओ यू यू ए आर ई आर पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग. ठीक है, यहाँ पे यू लगा हुआ है इसलिए यू के साथ ए आर ई आर लगा. नेक्स्ट सेंटेंस है डब्ल्यू ई वी ए आर ई आर सी डबल ओ के आई एन जी कुकिंग एफ डबल ओ डी फूड, वी आर कुकिंग फूड. अब इसमें किसकी बात हो रही है, वी मतलब हम सब खाना बना रहे हैं, वी ऑल आर कुकिंग फूड, सारे इकट्ठे मिलके खाना बना रहे हैं. तो इसमें एक से ज़्यादा हो गए वी, और वी के साथ क्या लग गया ए आर ई आर. नेक्स्ट इज टी एच ई ड एफ आर यू आई टी एस फ्रूट, ए आर ई आर आई एन एन टी एच ई ड बी एस बास के टी किट बास्केट, द फ्रूट आर इन द बास्केट. जो फ्रूट्स हैं वो कहाँ पर हैं, बास्केट के अंदर हैं. अब यहाँ पे फ्रूट्स हैं, फ्रूट नहीं है. अगर एफ आर यू आई टी फ्रूट होता तो मतलब एक सिंगल फ्रूट है, लेकिन यहाँ पे फ्रूट्स हैं मतलब एक से ज़्यादा फ्रूट्स हैं. तो वो फ्रूट्स ज़्यादा हैं तो इसलिए एक से ज़्यादा हैं तो क्या लगेगा ए आर ई आर. वेरी गुड. नेक्स्ट इज टी एच ई द सी ओ डब्ल्यू काओ आई एस is I N N T H E the G A R D E N garden, the cow is in the garden. जो cow कहाँ पर है, वो garden के अंदर. अब यहाँ पे cows नहीं है, यहाँ पे cow है. हाँ, cow means single one cow, एक गाय के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा I S is. तो बेटा ऐसे is M R लगते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा. अब हम एक एक करके कॉन्सेप्ट करेंगे. जैसे पहले हम यूज़ ऑफ इज़ करेंगे, फिर हम यूज़ ऑफ एम करेंगे, फिर हम यूज़ ऑफ आर करेंगे, और इससे रिलेटेड हम सेंटेंसेस करेंगे. नाउ क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू यूज़ ऑफ इज़. सो हियर अगेन वी विल रिपीट. Is used with a singular noun, he, she, it, this, that, everything. जहाँ पर सिर्फ एक के बारे में बात हो रही है वहाँ पर हम आई एस इज यूज़ करते हैं. अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं यूजिंग ऑफ इज के, वो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल और फर्स्ट सेंटेंसेस आर ए जे यू राजू, आई एस इज अ बी आर आई डबल एल आई ए एन टी ब्रिलियंट S T U D E N T student. अब राजू के बारे में बात हो रही है कि राजू एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, होशियार बच्चा है. अब राजू कौन है, राजू एक बॉय के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे एक के बारे में बात हो रही है, इसलिए आई एस इज लगा. नेक्स्ट है टू नंबर L I O N loin, I S is T H E the K I N G king, O F of T H E the J U N G L E jungle, lion is the king of the jungle. जो lion है वो क्या है, जंगल का राजा है. अब यहाँ पे शेर के बारे में बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे आई एस इज लगा है. ठीक है, जब एक के बारे में बात होती है तो आई एस इज लगता है. अब यहाँ पे lions नहीं है, एस लगा होता तो मतलब एक से ज़्यादा lion होगा. ठीक है ना, पर यहाँ पे लॉयन लिखा हुआ है तो मतलब एक के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर नाउन के बारे में. थर्ड नंबर, मैं आपको दोनों ऑप्शन इसलिए बता रही हूँ कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि हाँ अगर ये चीज़ लगी होती तो यहाँ पे कुछ और आता. अगर यहाँ पे लॉयंस लगा होता तो यहाँ पे ए आर ई आर आता, राइट. अब नेक्स्ट है एम वाई माई डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर, बी ओ डबल टी एल ई बॉटल, I S is R E D red, I N N C O L O U R color. My water bottle is red in color. कि मेरी जो water bottle है
मेरी वाटर बॉटल मतलब एक वाटर बॉटल, वाटर बॉटल्स तो नहीं है ना, वाटर बॉटल है मतलब एक वाटर बॉटल है, वो रेड कलर की है, तो इसलिए यहाँ पे आई एस इज आया कि एक वाटर बॉटल की बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस इज फोन नंबर एस एच ई शी आई एस इज जे यू एम पी जम्प आई एन जी इन जम्पिंग शी इज जम्पिंग। अब यहाँ पे शी की बात हो रही है, शी मतलब एक गर्ल या एक वूमेन, जब एक की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, आई एस इज लगाएंगे। शी इज जम्पिंग, वो कूद रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फाइव नंबर सेंटेंस एच ई ही आई एस इज अ टी ए डबल एल टॉल बी ओ वाई बॉय, ही इज अ टॉल बॉय। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ही एच ई ही यूज होता है बॉयज़ के लिए या बॉय के लिए या मैन के लिए। यहाँ पे एक के बारे में बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे आई एस इज लगा कि ही इज़ अ टॉल बॉय, वो एक लंबा लड़का है। नेक्स्ट सेंटेंस है सिक्स नंबर आई टी एच आई एस इज अ सी ए टी कैट, इट इज़ अ कैट, कि ये एक बिल्ली है, कैट तो नहीं है ना, कैट है, तो मतलब एक बिल्ली के बारे में बात हो रही है, जब एक के बारे में बात हो रही है तो क्या लगेगा, आई एस इज, वेरी गुड। नेक्स्ट इज टी एच आई एस दिस आई एस इज अ पी ई एन पेन, दिस इज अ पेन, कि ये एक पेन है। नेक्स्ट इज टी एच ए टी दैट आई एस इज अ टी आर डबल ई ट्री, दिस इज अ सॉरी दैट इज अ ट्री, कि वहाँ पर एक पेड़ है, ट्रीज नहीं है ना, अगर ट्रीज होता तो आर लगता, पेन्स नहीं है, पेन है इसलिए इज लगा है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है आपका यूज ऑफ इज का, ओके। अब हम करेंगे यूज ऑफ एम, एम यूज ऑफ एम एम, अभी हमने करा यूज ऑफ आई एस एल। तो स्टूडेंट नाउ वी विल डू यूज ऑफ एम, व्हाट वी विल डू यूज ऑफ एम। एम का बताया था एम इज अ वेरी शाय बॉय और इट हैड ओनली वन बेस्ट फ्रेंड, है ना, वन बेस्ट फ्रेंड था उसका, कौन सा, एंड ही एम लाइक टू प्ले ओनली विद आई। तो एम के जो आई के साथ है वो हमेशा क्या लगता है, एम। आई जहाँ भी हो, जिस भी सेंटेंस में आई लगा हो उसके पीछे क्या लग जाएगा, उसके साथ एम लगेगा, ठीक है, बहुत ईजी है, बस यही याद रखना है कि आई के साथ एम लगेगा। जब हम एक चीज़ के बारे में बात करें तो इज लगेगा, जब एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो ए आर ई आर लगेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। अब जैसे हम इस एग्जांपल्स करेंगे आई एम ए एम एम के, फर्स्ट सेंटेंसेस आई ए एम एम अ बी ओ वाई बॉय, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। सेकेंड नंबर आई एम एम अ जी आई आर एल गर्ल, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। थर्ड नंबर आई एम एम अ एस टी यू डी एन टी स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। नेक्स्ट फोर नंबर आई एम एम अ एफ ए टी फैट, मैं मोटा हूँ, आई एम फैट। नेक्स्ट इज आई एम एम ई ए टी आई एन जी ईटिंग एफ आर यू आई टी एस फ्रूट, आई एम ईटिंग फ्रूट, मैं क्या खा रहा हूँ, फल खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फ्रूट। सिक्स नंबर आई एम एम आर ई ए डी आई एन जी रीडिंग अ बी डबल ओ के बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट इज आई एम एम एच ए डबल पी वाई हैप्पी टी ओ
day today. I am happy today. मैं आज बहुत खुश हूँ. I am happy today. So students, these are the examples, some of the examples of using am. हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि I जहाँ लगाओ I के साथ हमेशा क्या लगता है, am, am, right? Now we will do use of are. Now we will do use of are. A-R-E, are. Are का we have read कि are like to hang around with all plural things, right? He had a great bonding with all plural things. मतलब plural means more than one. तो इसमें आर जो है वो किसके साथ लगता है, जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे होते हैं. जैसे वाई ओ यू, डब्ल्यू ई वी, टी एच ई वाई, दे एंड प्लूरल नाउन. जैसे फर्स्ट सेंटेंसेस डब्ल्यू ई वी, ए आर ई आर, आई एन डी आई एन एस, इंडियन, वी आर इंडियन, हम क्या है, हिंदुस्तानी. वी मतलब हम सब. सेकेंड इज टी एच ई वाई, दे, ए आर ई आर, टी एल के आई एन जी, टॉकिंग, दे आर टॉकिंग, वो लोग बातें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग. अब एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है. देखो जब हमने कहा हम सब हिंदुस्तानी है, हम सब में बहुत लोग आ गए, दे आर टॉकिंग में मतलब वो बातें कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा हो गए, जो एक से ज़्यादा हैं इससे ए आर ई आर लग रहा है. नेक्स्ट इज Y O U A R E R M Y my B E S T best F R I E N D friend you are my best friend. आप मेरी अच्छी, बहुत अच्छी पक्की दोस्त हो जिसे कहते हैं, right? Next is T H E S E these A R E R M Y my S H O E S shoes these are my shoes ये मेरे जूते हैं. These are my shoes. एक से ज़्यादा है इसलिए ए आर ई आर लग गया. नेक्स्ट इज टी एच ओ एस ई डोज ए आर ई आर बी आई आर डी एस बर्ड. अब देखो यहाँ पे अब बर्ड नहीं है, बर्ड्स हैं, है ना, तो मतलब एक से ज़्यादा हैं. तो एक से ज़्यादा हैं तो हमने क्या लगाया, ए आर ई आर. आर ए एम राम, ए एन जी एन, एस एच ए एम शाम, ए आर ई आर, P L A Y I N G playing. राम एंड शाम दो आ गए, एक से ज़्यादा हो गए इसलिए यहाँ पे ए आर ई आर लगा. राम और शाम खेल रहे हैं. नेक्स्ट इज टी एच ई द एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस फ्लास ए आर ई आर एन ई डब्ल्यू न्यू द फ्लास आर न्यू. जो फूल हैं वो क्या हैं, नए हैं. अब फ्लावर्स है, फ्लावर नहीं है, एस लगा हुआ है, फ्लावर्स है मतलब प्लूरल नाउन है, तो इसलिए इसके साथ ए आर ई आर लगेगा. तो देखा बच्चा आपने कि इज एम आर कैसे लगता है, जब हम एक के बारे में बात करते हैं तो इज लगता है, जब हम अपने बारे में बात करते हैं सिर्फ तो एम लगता है, जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो ए आर ई आर लगता है. आया आप सबको अब समझ में. अब हम कुछ मिक्स सेंटेंसेस करेंगे. अभी तो ये हमने इसके अलग करे, एम के अलग करे, आर के अलग पढ़े, अब हम कुछ मिक्स सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिसमें बीच बीच में इज में भी है, आई एम भी है, आर भी है. एफ आई डबल एल फिल, आई एन इन, टी एच ई द, बी एल ए एन के एस ब्लैंक, डब्ल्यू आई टी एच विद, आई एस इज, कॉमा, ए आर ई आर, ओ आर और एम एम, फिलिंग द ब्लैंक्स विद इज आर और एम. अब हमें ये देखना है कि इसमें किसमें इज लगेगा, किसमें आर, किसमें एम, राइट. फर्स्ट सेंटेंस इज एच ई ही. अब अपने आप सोचिए आप बिना देखे कि ही के साथ क्या लगता है, ही एक है, है ना, तो ही के साथ क्या लगा, आई एस इज, ही इज अ बॉय. नेक्स्ट सेंटेंस इज एस एच ई शी, शी भी एक होता है, शी इज राइटिंग, तो शी के साथ क्या लग गया, इज, वो लिख रही है. नेक्स्ट इज डब्ल्यू ई वी, वी मतलब हम सब, तो वी हम सब मतलब एक से ज़्यादा, तो इसमें क्या लगेगा, ए आर ई आर, वी आर प्लेइंग इन द पार्क,
हम सब पार्क में खेल रहे हैं. नेक्स्ट इज टी एच ई वाई दे. दे मतलब वो लोग. दे ए आर ई आर एस एल डबल ई पी आई एन जी स्लीपिंग. दे आर स्लीपिंग. वो सो रहे हैं. आई टी एच आई एस इज अ बी आई जी बिग सी आर कार. इट इज अ बिग कार. वो एक बहुत बड़ी कार है. अब एक कार के बारे में बात हो रही है इसलिए इज लगा, ठीक है. और इट है, इट मतलब सिंगुलर नाउन है तो इज लगा. समझ आ रहा है आप सबको? नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज वाई ओ यू ए आर ई आर अ बी ई ए यू टी आई एस यू एल ब्यूटिफुल जी आई आर एल गर्ल. यू आर अ ब्यूटिफुल गर्ल. आप एक बहुत सुंदर लड़की हो. यू लगा हुआ है तो यू के साथ क्या आता है? ए आर ई आर. नेक्स्ट इज टी एच ओ एस ई दोस ए आर ई आर बी ओ डबल टी एल ई एस बॉटल्स. अब बॉटल्स है यहाँ पे, ध्यान रखिए एस लगा हुआ है बॉटल्स. दोस आर बॉटल्स. दो इट मीन्स ए आर ई आर लगेगा क्योंकि बॉटल्स है, एक से ज़्यादा बॉटल. नेक्स्ट इज टी एच आई एस दिस आई एस इज अ टी ए बी एल ई टेबल. अब टेबल्स नहीं है, टेबल है तो इसलिए एक के बारे में बात हो रही है, एक टेबल के बारे में. तो आई एस इज दिस इज अ टेबल. नेक्स्ट इज आई एम एम एच ए डबल पी वाई हैप्पी. आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ. आई है तो आई के साथ एम ही लगता है. नेक्स्ट इज टी एच ई द जी आई आर एल गर्ल. अब गर्ल है, गर्ल्स नहीं है, गर्ल है मतलब एक लड़की है, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं है. तो इसके साथ आई एस इज आई एन एन टी एच ई द पी डबल ओ एल पूल. द गर्ल इज इन द पूल. नेक्स्ट इज टी एच ई द बी आई आर डी बर्ड. आई एस इज एफ एल वाई आई एन जी फ्लाइंग. द बर्ड इज फ्लाइंग. एक बर्ड है, बर्ड नहीं है, एक बर्ड है मतलब सिंगुलर है. तो इसके साथ आई एस इज लगा. तो किड आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट इज एम आर. डू द प्रैक्टिस. फर्स्ट यू हैव टू लर्न द टेबल्स ऑफ इज एम आर. और इफ यू विल बी एबल टू लर्न द स्टोरी देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू डू द these exercises. I am providing you some worksheet, some solved assignments. Okay, go through it and bye bye and take care.